काम बोलेगा चैनल से राजेश वर्मा। आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है, क्या फ्रिज में हमें गर्म सामान को रखना चाहिए या नहीं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, गर्म और ठंडा एक दूसरे के पूरक हैं। ठंडा ज्यादा हुआ गर्म कम हुई, तो ठंडा ज्यादा है तो गर्म को खत्म कर देंगे, और गर्म ज्यादा है ठंडा कम है तो गर्म ठंडा को खत्म कर देंगे। एक दूसरे के जानी दुश्मन है, ऐसा समझ सकते हैं। आपने कभी फेस किया होगा कि सुबह की सब्जी बचा हुआ अगर शाम को गर्म करते हैं तो कई बार उसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है, खराब होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो गर्म है उसको ठंडे की जगह पर नहीं रखते हैं, तो फ्रिज की जो टेम्परेचर होता है ज्यादा ठंडा होता है, और आपकी जो सामान है, सब्जी है, दूध है या कोई भी चीज है जो ज्यादा गर्म, उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं। एक तो कभी कभी क्या वो खराब भी हो सकती है, दूसरी फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वहां का उसको जरूर प्रभावित करेगा। अगर आपकी फ्रिज ठंडा है उसमें गर्म सामान रख देंगे तो उसको ठंडा करने में भी बहुत समय लेगा, और हो सकती है वहां की आसपास की जो टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा। तो आपने भी समझ लिया कि बहुत सिंपल और सरल सा आंसर है कि गर्म सामान को फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए। अब मान लो कि गर्म है सामान और फ्रिज में रखना ही है तो कैसे रख सकते हैं। उस सामान को थोड़ी देर पानी में रख दीजिए, जो गर्म चीज है वो पानी में रखने के बाद जल्दी ठंडा हो जाती है, ठंडा होने के बाद जो है आप अपने फ्रिज में रख दीजिए। इस तरीके से आप गर्म सामान को फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा करने के बाद। मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली, वीडियो लाइक से जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम बोलेगा फिर से दूसरी वीडियो में, हम भी बोलेंगे दूसरी वीडियो में, फिर मिलेंगे।